हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस में न जाने कितने कंटेस्टेंट आए और गए, लेकिन सलमान का दिल एमसी स्टेन ने जीता। स्टेन आज पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर पर्सनालिटी में से एक है। आज मोस्टली लोग इन्हें सिर्फ देखने के लिए बिग बॉस देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एमसी स्टेन से रिलेटेड आपको सब कुछ बताएंगे हम इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। एमसी स्टेन, जिनका असली नाम अल्ताफ शेख है, का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में बेहद गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। शुरुआत में उन्हें परिवार और लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, क्योंकि स्टेन पढ़ाई के बजाय गानों और रैपिंग पर ज्यादा ध्यान देते थे। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास पैसे नहीं थे और इन्होंने सड़कों और रिक्शों पर आते गुजारी है, पर स्टेन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मात्र 12 साल की उम्र में इन्होंने कव्वाली गाना शुरू किया। इन्होंने गाने तो बहुत सारे गाए, मगर इन्हें असली पहचान इनके वाटा गाने से मिली, जिसे YouTube पर 21 मिलियन व्यूज मिले थे। जो लोग स्टेन से पहले नफरत करते थे, आज वह उनकी तारीफ करते नहीं थकते। स्टेन केवल 8 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला रैप गीत लिखा। स्टेन हिप हॉप इंडस्ट्री का आज जाना माना नाम है। महज 23 सालों की उम्र में वो आज करोड़ों कमाते हैं। बिग बॉस 16 के प्रीमियम पर स्टेन 60 से 70 लाख का हिंदी लिखा नेक पीस और 80,000 के जूते पहनकर पहुंचे थे, और इन्होंने बताया कि इन्होंने यह उपलब्धि महज 3 से 4 सालों में पाई है। यह सुनकर सलमान भी हैरान रह गए। स्टेन हर महीने अपने गानों और यूट्यूब कंसर्ट से लाखों कमाते हैं। एमसी स्टेन ने अपने करियर की शुरुआत समझ मेरी बात को गाने से की थी, जिसमें इन्होंने डिवाइन और एमिवे जैसे सिंगर की वाट लगा दी थी। यहीं से स्टेन लोगों की नजर में आ गए। इसके बाद इन्होंने अस्तगफिरुल्लाह नाम का गाना रिलीज किया, जिसमें इन्होंने अपनी गरीबी से लेकर स्ट्रगल और अतीत में की गई गलतियों के बारे में बताया। इस गाने ने इनके हिटर्स को इनका दीवाना बना दिया। एमसी स्टेन के करियर में तड़ीपार एल्बम इनके लिए लकी साबित हुआ और यहीं से इनकी जिंदगी बदल गई। स्टेन हिंदी भाषा को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वह अपने गले में हीरे की लिखी हुई लॉकेट पहनते हैं। इसके अलावा भी वह बहुत सारे लॉकेट पहनते हैं। इसमें वह भारतीय रुपए के आकार का एक लॉकेट पहनते हैं जो 60 कैरेट के हीरे का बना हुआ है। इन्होंने अपने शरीर पर बहुत सारे टैटू भी गुदवा रखे हैं। अपनी यूनिक स्टाइल, एक्टिंग, रैपिंग और रहने के ढंग ने इन्हें और भी ज्यादा मशहूर बना दिया, और आज ये भारत के एक लोकप्रिय रैपर में से एक है। अपनी लोकप्रियता के दम पर ही आज वह बिग बॉस 16 का भी हिस्सा है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है। अगर आप भी एमसी स्टेन के फैन है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।